कुछ नाम आप लोगों को अपने बिल्कुल लिविंग लाइफ के एग्जांपल्स से वाकिफ कराना चाहूंगी। महाराष्ट्र में एक बालिका है दुर्गा कोरम करके, वो भील कम्युनिटी की है और उन्होंने आश्रम स्कूल में पढ़ाई की थी। और आश्रम स्कूल महाराष्ट्र में उनके जो अनुभव हैं वो उनके लेखों के माध्यम से मैं उस हवाले से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स नॉट फंक्शन। उस आश्रम स्कूल जो सरकार के द्वारा संचालित है, आदिवासी नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा संचालित है, और उस स्कूल में जो बुनियादी सुविधाएं हो सकती हैं उसमें मेजर करप्शन है। तो हम लोग जो बातें कर रहे होते हैं वो कई बार जमीनी स्तर पर जो लोग उसको इस्तेमाल करने वाले, जो होता है ना, प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया है तो यूजर उसको यूज करने के बाद बताएगा कि चीज कैसी है। तो दुर्गा कोरम के हवाले से ही मैं ये बात बताना चाह रही हूँ कि आश्रम स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही हैं, और कई स्टेट्स में इस तरह के आश्रम स्कूल हैं जो आदिवासी बालिकाओं के लिए केंद्रीकृत करके चलती रही हैं, और कई बार उसमें सेक्सुअल वायलेंस भी है। और सिर्फ शारीरिक वायलेंस ही नहीं, लेकिन हत्याएं तक आइडेंटिफाई हुई हैं। आप विचार कर देखिए कि एक व्यक्ति जो कुछ सीखने की मंशा से कॉलेज और स्कूल और इन हॉस्टल्स का हिस्सा बनता है, और वो वहां जाकर के एक मानसिक और शारीरिक घाव लेकर के लौट रहा है, वो कौन से विकास की बात करेगा? वो कैसे नहीं ड्रॉप आउट होगा? हम लोग यहाँ ड्रॉप आउट वर्ड बहुत आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स अ पुश्ड आउट, ये ड्रॉप आउट नहीं है, ये पुश्ड आउट है, ये एकेडमिक किलिंग्स है। जो हम लोग स्कूल, हॉस्टल्स, कॉलेज और इवन जब नौकरियों तक में आते हैं ना ये आदिवासी बच्चे, तो वहां तक हम लोग उनको नहीं बख्शते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दुर्गा कोरम का तो दिया ही, तो मैं महाराष्ट्र के उस ढीली बच्ची से बहुत निकट हूँ और सारा किस्सा सुनती रही हूँ। एक सिंपल सा उदाहरण, जो अब्रॉड पढ़ने के लिए आदिवासी बच्चियों को कुछ स्कॉलरशिप सत्ताएं देती हैं, उसके हवाले से प्रियंका गोंड का एक केस आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ की महिला है और अभी अब्रॉड में वो पीएचडी कर रही है। गवर्नमेंट ने जो स्कीम के तहत उनको बाहर अब्रॉड में पीएचडी करने भेजा, वो इतना सफिशियंट अमाउंट नहीं है कि वो अपना लिविंग और स्टडिंग का पूरा खर्चा मैनेज कर सके। उन्होंने अपने घर में बात की कि मुझे कुछ आप लोन दिला दीजिए जिससे कि मैं वहाँ कम से कम सर्वाइव कर सकूँ। अब आदिवासी लोगों के पास लोन लेने का जो मैकेनिज्म है उसके लिए बैंक पहुँचते हैं और जमीन को गिरवी रखने की बात करते हैं। जमीन गिरवी नहीं रखी जा पा रही होती है क्योंकि भाइयों का दबाव है कि एकमात्र चीज जो हमारे पास है जमीन है, अगर वो भी बेटी को पढ़ाने के लिए हमने इसको लोन में रख दिया और उसके बनिस्पत में जो हासिल होना है वो नहीं हासिल होता है, तो ये पूरा परिवार खत्म होगा। तो एक महिला जो दुर्गा कोरम है महाराष्ट्र में, वो जूझ रही आश्रम स्कूल में एक स्पॉन्सरशिप लेकर के, स्कॉलरशिप लेकर के कनाडा में पीएचडी कर रही है, वो अपने सर्वाइवल के लिए जूझ रही है। तो ये मैंने जो अकादमिक जगत में आई हुई महिलाएं हैं उनकी बातें सिर्फ शुरू की थी। आवासीय विद्यालयों का जो हाल है वो आप एक बार रतनमाला के हवाले से पढ़े। सीता रतनमाला 1960 के दशक में पहली आदिवासी महिला जो नर्सिंग पढ़ पा रही है, और उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द जंगल, जंगल से आगे, अश्विनी कुमार पंकज ने उनका अनुवाद किया है, उसमें अपनी आत्मकथा लिखी है। और किस तरीके से स्कूल सिस्टम में आने पर उनको जो दुविधाएं भोगनी पड़ती है उसका चित्रांकन उस साहित्य में आता है। तो जितने भी चीजें डाटा के हवाले से आ रही हैं, ग्राफ्स के हवाले से आ रहे हैं, या रिपोर्ट्स के हवाले से आ रहे हैं, कमीशन के हवाले से आ रहे हैं, हम अपनी सारी
केंद्रीयता वहां पे केंद्रित करेंगे या इन आवाजों को भी सुनेंगे जो हर दिन उस सिस्टम में रहते हुए जुड़ रही है। एक इंडिविजुअल केस को आप इंडिविजुअल केस अगर ट्रीट करेंगे, उसको समाज का मुद्दा नहीं बताएंगे, तो ये प्रॉब्लम है, हम लोगों में प्रॉब्लम है। क्योंकि उन जगहों को हासिल करने के लिए पाठक सर ने जितनी डिटेलिंग दी है, उस 50 स्लाइड को हर एक विद्यार्थियों और हर एक श्रोता के हाथ में होने की जरूरत है। मुझे लगता है बहुत डिटेल्ड वर्णन था और हम लोग उस 50 पेज की पीपीटी से गुजरना चाहेंगे। कॉलेज हमें प्रोवाइड कराएगा, हम लोग इसकी उम्मीद करते हैं। मैं आगे की पढ़ाई करना बताना चाहूंगी, जब हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं, तो 90 के दशक में एक आईएएस अधिकारी हुए बीडी शर्मा, उनकी पहली पुस्तक है पगडंडी से राजभवन तक। उसमें वो अपने अनुभव बताते हैं, छत्तीसगढ़ के इलाके में पोस्टिंग है उनकी, आदिवासियों के मध्य उन्होंने काम किया और बहुत जल्दी ही समझ गया कि सिस्टम उनको काम नहीं करने देगा, वो रिजाइन करते हैं और आदिवासियों के बीच में काम करना शुरू करते हैं। उस किताब के हवाले से मैं जो बात बताना चाह रही हूँ, वो एडुकेशन को कैसे देख पाए उस दौरान में, वो मैं चित्रांकित करना चाहूंगी। दो बच्चों के संवाद उन्होंने दिए हैं, एक बच्चा जो स्कूल होकर के लौटा है और एक बच्चा जो स्कूल किन्हीं कारणों से नहीं जा पाया है। ये दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? पहला वाला बोलता है तुम स्कूल क्यों नहीं आए, तो दूसरा बोलता है कि कुछ काम करता रह गया और फंस गया, तुमने क्या क्या किया आज स्कूल में। तो जो स्कूल गया है वो बोलता है आज हमारे शिक्षक ने हमें सिखाया तोता हरे रंग का होता है। बोला अच्छा तुमने ये सिखाया। मैंने क्या सीखा आज, तुम क्या किए बाहर पूरे दिन ये बताओ। बोला कि मैंने आज इसे पूरे दिन रटा है और सर अगले दिन सुनेंगे तोता हरे रंग का होता है। बोला ठीक है, तो तोता क्या होता है? तो तोता सुगा को बोलते हैं, सुगा को ना, तोता सुगा होता है। तो बोला अच्छा 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 हाँ वो तो हरा ही होता है। तो फिर तुमने क्या किया? तो दूसरा जो बच्चा है वो बता रहा होता है, मैंने नदी में मछली मारने के लिए बंसी डाला था और मेरी जो दोस्त है वहीं पे रस्सी बिन रही थी, तो मैंने उसको रस्सी बिनने में थोड़ी मदद की, इतने बीच में मछली बंसी में फंसा, उसको हम लोगों ने आग में सेंका पत्ते में और फिर हमने वो खाया। और वहीं पे एक खरगोश देखा जो एक पेड़ के बिल के अंदर में घुस गया था, हमने उस पेड़ को गिराया क्योंकि वो सूख चुका था और उसी लकड़ी में हमने उस खरगोश को मार करके अपना खाना खाया। और पूरे दिन में हम लोग जब लौट रहे थे गाँव में, तो अकड़ा में हमने एक गांव में शादी के लिए लोग आए हुए थे, तो अकड़ा में सब लोग रीझरंग में थे, तो हम लोग भी उस रीझरंग में गए और उस रीझरंग से निकल के जब हम लोग खेत की तरफ गए तो इतना बड़ा सा हमने एक झुंड देखा सुगा का, जो कि बहुत लंबा, रस्सी से भी बड़ा और बहुत लंबा, बहुत ढेर सारा था, इतना मैंने पहले नहीं देखा। तो बोला अच्छा फिर क्या किया? तो फिर बोले कि बस वही अकड़ा में हमने नाचा था, फिर हम लोग वो सुगा देखे थे और उसके बाद फिर मैं आ गया। अब दोनों बच्चे आपस में कंपेयर करने लगे कि मैंने जो सीखा वो तोता हरे रंग का होता है और जो मैंने पूरे दिन भर में कार्यकलाप निपटाया वो ये था। तो दूसरा बच्चा इंस्पायर हो रहा है कि मैं अगले दिन क्लास नहीं जाऊंगा उस एक लाइन को रटने के लिए, बनिस्पत इसके कि मैं उस चीज को प्रैक्टिस करूं जो इस बच्चे ने थ्रू आउट किया। ये बीडी शर्मा अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। दूसरा वाक्य उसी पुस्तक के हवाले से बताना चाहूंगी, वो एक आदिवासी के साथ में अपने कार में ट्रेवल कर रहे हैं और ऐसे ही बातचीत में पूछ देते हैं कि इस बार तुम्हारे यहाँ धान कैसे किलो बिका। वो उनको थोड़ा आइडिया लेने का मन था बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। तो आदिवासी थोड़ा सा चौंका और बोलता है कि धान बेचने का चीज होता है, बहुत चौंक के पूछता है। तो बीडी शर्मा को लगता है कि ये सवाल कितना कटा है जो मैंने इनसे किया और जो उत्तर मुझे इनसे मिल रहा है। वो कुछ दूर के बाद शहर की तरफ पहुंचते हैं और एक बिल्डिंग को दिखा के बोलते हैं इस बिल्डिंग में रहना चाहोगे क्या, ये तुम्हारा हो जाए तो कैसा रहेगा। वो व्यक्ति बोलता है मैं 5 फुट से भी छोटा हूँ, मेरी जरूरत नहीं है ये, मैं इसे मेंटेन नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए। तो ये धान के हवाले से बेचने की चीज है या उस जगह को या उस प्रॉपर्टी को अपना नहीं कहना, ये बातें मतलब कहीं ना कहीं बीडी शर्मा की आंखें खोलती हैं एक
ऐसा चश्मा देता है कि आदिवासियों को अगर देखना जानना समझना है तो हम लोग सिर्फ सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल स्टडीज के हवाले से इनको देखेंगे जानेंगे या कुछ और हवाले से भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजेस में 9 साल पढ़ाया और उस 9 साल में एक आदिवासी होने के नाते दिल्ली में मैंने बहुत महसूस किया कि रिजर्वेशन को एवेल करने वाले लोग गड़बड़ होते हैं, बुरे होते हैं, बहुत हेट्रेड है वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के, और ये माहौल कमोबेश हम लोग पूरे देश भर में देखते हैं। एक एसटी टीचर होने के नाते मेरा टाइम टेबल होता था पहला लेक्चर 8:40 और लास्ट लेक्चर होता था 3:30 से 4:30, बीच में 6 घंटे मुझे खाली बैठना होता था कॉलेज में। इस टाइम टेबल के साथ एक काम करने की कोशिश की, 9 साल किसी तरीके से वहां सर्वाइव किया। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने मौका दिया तो अब 1 साल से यहाँ पे हूँ। और ये सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों में ये स्थितियां क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, इसको हम लोगों को गौर करना चाहिए। सबकी पात्रता हम लोग नेट जेआरएफ के साथ में प्रोफेसर जो आते हैं उनको बता देते हैं कि एलिजिबिलिटी है, आप पढ़ाने के योग्य हैं, पीएचडी के साथ में आप पढ़ाने के योग्य हैं, लेकिन हम लोगों ने कितने एक वर्ण व्यवस्था जैसे सिस्टम बना रखी है, कोई एडहॉक टीचर होगा, कोई गेस्ट टीचर होगा, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर होगा, कोई परमानेंट टीचर होगा, एक हायरार्की बिल्ट अप होती है। किसी की सैलरी लाख, किसी को आपने 50,000 में समेटा, किसी को आपने उससे भी कम में समेटा और किसी को सिर्फ इतना सरवाइव करने लायक दिया जिससे कि मतलब मुश्किल से घर चल पा रहा होता है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जो एक प्राइम इंस्टीट्यूशन है उसके हवाले से ये बातें आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे इसी तरीके के टीचर्स हैं, परमानेंट फैकल्टी है, एडहॉक फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी है, कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी है। और वहाँ पे जो पहले दिन हम लोग बहुत ब्लेंडेड और मिक्स करके पढ़ाने की बातें कर रहे थे कि फिजिकल की जगह पे हमें कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के हवाले से पढ़ानी चाहिए, कुछ हम लोगों को और बेहतर प्रयास करने चाहिए, लेकिन आप उन शिक्षकों का भी एक गति और दुर्गति समझने की कोशिश कीजिए। जब श्रीलाल शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े उपन्यासकार, सबसे ज्यादा आज तक प्रेमचंद के बाद जो रचनाकार बिके हैं हिंदी साहित्य में, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी जरूर आप लोगों को पढ़नी चाहिए, 20 साल में उन्होंने इस रचना को लिखा था। अब श्रीलाल शुक्ल उस रचना में क्या एक लाइन कह रहे हैं एजुकेशन के संदर्भ में, बहुत मार्के की लाइन है, आपको तकलीफ होगी, लेकिन हम लोगों को सुनना चाहिए उन पंक्तियों को कि आखिर ये समझदारी श्रीलाल शुक्ल की क्यों बन रही है। श्रीलाल शुक्ल कहते हैं उस राग दरबार पुस्तक में, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई वस्तुतियां है जिसे कोई भी किसी भी समय लात मार करके आगे बढ़ जाता है। आप विचारे ये व्यंग, ये तंज कहां से वो समेट पा रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ ऐसा देखा और भोगा है जो वो अकादमिया के बारे में इस लहजे पे बातें करने के लिए मजबूर हुए हैं। खलील जिब्रान को एक बार सुनिए, खलील जिब्रान क्या कह रहे हैं, हम गलत किताबों की पैदावार है क्योंकि यह हमें सवाल करने से रोकती है। विचारिए ये सारी विश्व साहित्य के प्रणेता, भारतीय साहित्य के प्रणेता क्यों ये सब कहने को मजबूर हुए हैं। हम लोग अनिल सतगोपाल जी का नाम लेना नहीं भूलेंगे, उन्होंने ही जो मैंने पुस्तक वाली बात बताई, ये मेरा अपना स्टेटमेंट नहीं है, ये अनिल सतगोपाल जी हसंगाबाद मध्य प्रदेश में उन्होंने अपना काम किया आदिवासियों के मध्य रह के, और उन्होंने ही इस ड्रॉप आउट को पुश आउट की पूरी बुक लिख करके उन्होंने एक्सप्रेस किया। कमलानंद झा की पाठ्यक्रम की राजनीति नामक पुस्तक में बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी अतीत में, वर्तमान में या जो भविष्य में, उसमें जो चेंजेस है, जो बदलाव है, वो इतने रैपिड तरीके से फोर्सफुली फेंके गए हैं कि उस
उसमें एडजस्टमेंट के लिए हमारा सामाजिक जो मानसिक स्तर है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और मतलब पाठ्यक्रम की राजनीति की वजह से ही हम लोग जो आज शिक्षण को बहुत क्रिटिकली नहीं देख पा रहे होते हैं, चाटुकारिता, चमचागिरी, गुलामगिरी, ये तमाम चीजें बहुत हद तक इस पूरे सिस्टम में घुसी है। और जो ईमानदारी, बौद्धिक ईमानदारी, किसी ने पैटरसन ने बहुत खूबसूरत बात कही कि अपने में ईमानदार होना पड़ेगा, वो कहीं से बाहर से नहीं आएगा। हमने तय करना है कि जिसकी हम ऊर्जा अपने अपने घरों से बच्चे खा के निकले हैं, पी के निकले हैं, अपने मम्मी पापा के पैसे लेके निकले हैं, और वो कुछ एक मनसा लिए बैठे हैं कि हम आएंगे और यहाँ पे कुछ लेके जाएंगे। लेकिन सोनाचरिया मिंज जो एसकेएमयू में यहाँ पे बीसी रह के गई, उन्होंने 2-3 दिन पहले अभी जेएनयू में एक स्पीच में कहा पूरे भारतवर्ष में 1500 विश्वविद्यालय सारे मिलाकर के हैं, और लगभग आदिवासी वीसीज की संख्या जब उन्होंने खोजने की कोशिश की तो वो बहुत चार निकलती है। हम लोग देश के अमृत महोत्सव काल को सेलिब्रेट करने लगे हुए हैं। ये तथ्य क्या सोचने को विवश करता है कि 8% की आबादी वाले देश में जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन 0.01 something सर ने ही अभी हमारे सामने रखा, सोनाझरिया में जो वीसी की संख्या बता रही है, हम लोग असिस्टेंट से एसोसिएट जब होने की, जब प्रमोशन की बारी आ रही होती है तो एसोसिएट में जाने के लिए लोग हैं, योग्य हैं, लेकिन आपने जो घृणा पाली हुई है धार्मिक ग्रंथों से लेकर के आज तक, वो टूटा ही नहीं है, वो स्टैब्लिश किया जा रहा होता है थ्रू आउट मीडिया के हवाले से, एकेडमी के हवाले से, तमाम हवालों से। और उससे उबर के जब बाहर नहीं आएंगे, एक ईमानदारी, समानता की, बंधुत्व की आपस में नहीं महसूस कर पाएंगे, तो ये सभी चीजें बहुत दुखदाई है। हमें नाचना और गीत सुनना कितना पसंद आया, आपने देखा जीवन ये है, सामूहिकता जीवन ये है, एक दूसरे के बारे में सोच पाना, एक दूसरे को साथ ले पाना, जीवन ये है। लेकिन आज का शिक्षा जगत हमें बस डिग्रियां, सर्टिफिकेट, नौकरी, चाटुकारिता और साथ में जो अमानुषिक बनाने की प्रवृत्ति की तरफ हम लोग चल पड़े हैं। बुलडोजर संस्कृति में बहुत विश्वास रखते हैं, जितनी बड़ी मशीनें आएंगी उतना गैप हमने सोसाइटी में पाया है। विचारना पड़ेगा कि क्यों हम पायल अकाडमी बनने देंगे लोगों को, एम्स जैसी संस्थाओं में ये आदिवासी बच्चियां फाइनल ईयर में पीजी में जाके सुसाइड करती हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला सुसाइड करते हैं, बालमुकुंद भारती सुसाइड करते हैं। तो ये हत्याएं हमारे इस मध्य पड़ रही है, वो आत्महत्या नहीं है, वो सिस्टमैटिक हत्याएं हैं जो हम पर लगातार दिख रहा है। इन तमाम चीजों को स्ट्रेस से दूर करने के लिए मैंने कल भी एक बात कही थी, बातचीत बहुत छोटी रही थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिम आज जाना बहुत नेसेसरी हो गया है, योग करना बहुत कंपलसरी हो गया है, आप अघा रहे हैं, आपके पास इतना बहुत आयत हो गया है, और कुछ है जो पीछे आज भी उस अंतिम जन के रूप में, जिसको गांधी जी अंतिम जन कह रहे हैं, वहां तक बातचीत आ ही नहीं पा रही है, पहुंच ही नहीं पा रही है। जब संविधान दिवस था, संविधान पे हम आस्था रखते हैं, हम उससे संचालित होते हैं, इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का एक स्पेस चाहते हैं, और उस बात में सुनने के बाद एक धैर्य और एक सहिष्णुता की भी हम उम्मीद करते हैं। आप खारिज कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन एक आदमी की परिभाषा जो हमारा बहुत नैसर्गिक गुण है, प्रेम हमारा बहुत नैसर्गिक गुण है, वो कम से कम इन अकादमिक जगहों पे ना प्रैक्टिस किए जाए। हम लोग सरनेम्स देख करके कई बार मार्किंग करते हैं होते हैं, अपने अंदर टटोलने की जरूरत है कि इस अकादमिक जगत में रहते हुए हम आखिर क्यों इस तरीके की बातचीत को प्रमोट कर रहे होते हैं। राजस्थान में अभी एक बच्चे की हत्या ही हुई, जो एक शिक्षक ने इतना मारा कि वजह क्या थी, मटका, शिक्षक के मटके से पानी पीने की बात। आप विचार के देखिए, 2022 और 23 की बातें हो रही हैं और हम लोग
एक मटके से निकाल के पानी पीने पे उस बच्चे की हत्या कर देते हैं। द्रोणाचार्य का नाम लिया जा रहा है। एक प्रसंग में आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन एक प्रसंग ये भी है जहां पे मिथ के पात्र ही सही एकलव्य की अंगूठे मांग करके उसके स्किल को खत्म करने की कोशिश। द्रोणाचार्य आज भी बैठे हुए हैं बहुत सारे, अंगूठा रोज कट रहा है और उसको इंडिविजुअल केस बता दिया जाता है, चाहे वो पीएचडी से निकाले जा रहे होते हैं, भर्तियों से निकाले जा रहे होते हैं, उनको एनएफएच किया जा रहा होता है। अब इन तमाम मुद्दों को एक बार सोच के देखिए, एक परमानेंट फैकल्टी होने के नाते मैं पिछले 11 साल से हिंदी की रोटी खा रही हूँ, लेकिन वही मेरी माँ 1994 से JRF करके उनको रोटी कुड़ुख में होने की वजह से नहीं मिल पाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में ट्राइबल स्टडीज में इनकी आयु अभी 61-62 हो चली है, इस आयु तक वो इंटरव्यू देने जाती है और वहां भी क्या बोला जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के ट्राइबल स्टडीज में, मैडम आपका प्रोफाइल ना इतना ज्यादा है, 8 कंट्री घूम करके देश में सरना धर्म को रिप्रेजेंट करके आई है, मतलब हम लोग आपके लेखनी के आगे झुके हुए हैं, लेकिन सिर्फ क्यों नहीं नौकरी दे सकते हैं, एडमिशन नहीं हुआ है, स्टूडेंट खोज के लाइए ना ट्राइबल स्टडीज में और मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर दीजिए। दूसरा कारण बनाते हैं, कुड़ुख आपको आता है, हिंदी आपको आता है, पर ट्राइबल स्टडीज का पूरा करिकुलम इंग्लिश में, कैसे पढ़ाइएगा, अंग्रेजी जानने वाला शिक्षक चाहिए, रोक रहे हैं आप। विचार करके देखिए, मम्मी का प्रोफाइल इतना हैवी हो गया है कि मैं ट्रॉली में लेकर के उनके पब्लिकेशन लेके जाती हूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में वहां पे जो कंफर्मेशन कर रहा है, डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, वो मम्मी को बोलता है मम्मी आप बाहर हो, बाहर हो, कैंडिडेट क्यों जाएगा। मैंने कहा मैं कैंडिडेट हूँ, कैंडिडेट के लिए मैं उनको केवल असिस्ट कर रही हूँ, उनके पब्लिकेशन पहुंचा दे रही हूँ। तो ये दुर्गतियां किसके मध्य रखी जाएंगी, यहाँ बहुतों को कल भी सुन करके लगा होगा कि अपना पेन कहा जा रहा है, इट्स नॉट अपना पेन, ये कम्युनिटी का पेन है। अब बोल रहे जेंडर जस्टिस की बात कीजिए ट्राइबल एजुकेशन के हवाले से, मैंने ड्यू के अपने कॉलेज का टाइम टेबल आपसे शेयर किया, माँ ने कल अपनी बातें शेयर की, मैं पूरे खानदान में 30 साल में अपने घर परिवार में सिर्फ 2 PhD जानती हूँ, एक फूफू की और एक माँ की, इसके अलावा मेरे घर में कोई PhD होल्डर नहीं है। मैं PhD इसलिए नहीं सबमिट कर पा रही हूँ क्योंकि JNU में मेरे काम को रिजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि काम आदिवासी समाज के ऊपर है और एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है मेरे फाइंडिंग्स में कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इससे बहुत मेजर ऑब्जेक्शन है। मेरे स्टेट के CM जब कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो उस पर पूरा देश हमला करता है, हड़िया वाला CM कहा जाता है मेरा CM। कल नशे पान की खूब बात हुई, नशा खाना के रूप में है, नशा के रूप में नहीं है, चाईबासा जाइए वो खाना है वहां, और अल्कोहल का परसेंटेज जानते हैं हड़िया में 11%, अल्कोहल में 14 होता है, वाइन में 46 होता है। तो हमारी चीजें अगर आदिवासी पी रहा है तो वो लुढ़का हुआ और आपको खराब दिख रहा है, लेकिन आदिवासी की जगह अंग्रेज पी रहे हैं, अपर कास्ट पी रहा है तो वो रूलर बना हुआ है, वो शासक बना हुआ है हमारा। मैं कुछ बस चंद बिंदुएं रखना चाह रही थी आप लोगों के सामने, मैंने बहुत छोटी सी बात रखी है और अंतिम बात बस इतनी सी कहना चाहूंगी कि हम लोग अपने समाज में जो चीजें गड़बड़ है उसको हम ठीक करना चाहते हैं पर अपने तरीके से, हम तय करेंगे, आप बाहर के एजेंसी हमारे बीच में घुस करके मत कह कीजिए कि हमें आप सभ्य बनाने आए हैं। गांधी भी आए थे झारखंड में, विजिट जब उनका है तो वो बोलते हैं कि अहिंसा का पार्ट और जो बिलसाइत को मानने वाले फॉलोअर्स हैं जिनको हम टाना भगत बोलते हैं, अब देखिए कि उनसे मिल रहे हैं, वो जब भारत का भ्रमण कर रहे हैं उस दौरान में उनसे मुलाकात हो रही है और वो बाद में अपने आप को वही टाना भगत अपने बिरसा के फॉलोइंग को छोड़ करके, टाना भगत के लर्निंग्स को छोड़ करके आज अपने आपको पूरे तरीके से गांधीवादी घोषित कर रहे होते हैं, उनको दिखाने की कोशिश वही हो रही होती है। तो
हमारे आइटम्स तो हमसे भी लूटे जा रहे हैं और जो आइटम्स हमारे नहीं है उनको प्रोपगेट किया जा रहा है। तो मैंने तो मतलब दिल्ली में रहते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने आप को नक्सली भी सुना और जेएनयू में रहते हुए अपने आप को कूड़ा भी सुना और इसकी फाइट में लड़ रही हूँ। शेड्यूल ट्राइब कमीशन में मेरा केस चल रहा है। तो जब भी फ्लो से इतर अगर अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही होगी तो आप हाशिए में जबरन धकेल दिए जा रहे होंगे, आपकी हत्या कर दी जा रही होगी। इस पर कोई नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल केसेस है। लेकिन यही एक आदिवासी वुमन का स्ट्रगल है, ये आप लोगों से कहना चाहती थी। शुक्रिया।